नमस्कार, वीरी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में दुमका में जिंदा जलाई गई अंकिता सिंह की मौत हो गई। 5 दिन से वह जिंदगी के लिए लड़ रही थी। आरोप है कि शाहरुख नाम के युवक ने उसे जिंदा जला दिया था। अंकिता पर शाहरुख ने फोन पर बात करने का दबाव बनाया था। अंकिता नहीं मानी तो उसके घर में घुसकर शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अंकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी से जंग हार गई। इस बीच शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कस्टडी के अंदर वो मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने शाहरुख की बेशर्म हंसी पर सवाल उठाया। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा, शाहरुख की बेशर्म हंसी से साफ है कि अंकिता की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। शाहरुख ने घर में घुसकर अंकिता के कमरे में जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। इससे इसका दुस्साहस साफ दिखता है। अंकिता की मौत के बाद उबाल है। लाश जैसे ही घर पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। भारी सुरक्षा के बीच शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और आरोपी शाहरुख को फांसी दिलाएंगे। अंकिता की दादी चाहती है कि उसके मरने से पहले शाहरुख को फांसी हो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ताजा अपडेट के लिए वीरे टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।